तो एक बार फिर से गुंडागर्दी होता हुआ बिहार में, और अभी जो आपको मैं बताने वाला हूं वो सुन के सच में आप इस बात को विश्वास करेंगे कि किस तरीके से बिहार में गुंडागर्दी हो रही है। क्योंकि ये मैं क्यों बोल रहा हूं इसका एक बहुत बड़ा रीजन है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। अभी मैं खड़ा हूं साहेबगंज मोतीपुर रोड में। इधर आप अगर चले जाएंगे तो मोतीपुर चले जाएंगे, और वहीं अगर आप इधर चले जाएंगे इधर तो आप साहेबगंज चले जाएंगे। ये मैं आज यहाँ पे खड़ा होकर वीडियो क्यों बना रहा हूँ इसका एक बहुत बड़ा रीजन है, आपको वीडियो में अभी पता चलेगा। आप लोग बस वीडियो बने रहिएगा। मैं हूँ आपका दोस्त बालाजी और आप देख रहे हैं मेरा चैनल बालाजी ब्लॉगिंग। कल रात लगभग 8 बजे मैं साहेबगंज से वापस घर की तरफ अपने जा रहा था। जब मैं घर को जा रहा था तो मैं अपने आराम से अपने ही मौसम में 40-50 के स्पीड में मैं गाड़ी को चला के लेके जा रहा था यहाँ से। जब इस जगह पे मैं आया तो मेरे साथ छीन छोड़ करने की कोशिश की गई। जी हाँ, दुरिया के नाम से ये जगह जाना जाता है। राजेपुर और बिदुरिया बीच में ये जगह है। कुछ दूर तक सुन सन्नाटा है, पातर है। यहाँ पे अगर किसी को कोई पकड़ के छीन छोन करे तो आराम से कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा ये है कि कब सुधरेगा बिहार। हमारा मुद्दा यह है कि कब सुधरेगा बिहार। तो हमारे साथ ऐसा हुआ तो हम नहीं चाहते हैं कि मेरे कोई और बंधु के साथ ऐसा हो, इसलिए हम इस वीडियो को बना रहे हैं। और इसमें आपका पूरा का पूरा सहयोग चाहिए। आप इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कीजिए कि हमारे जितने भी सब्सक्राइबर है, जितने भी जान पहचान के लोग हैं जिनका ये रोड डेली का आना जाना है, उनके पास ये वीडियो जा सके और वो इस वीडियो को देख करके सतर्क हो जाए कि यहाँ पे इस तरीके का जो नीच कर्म है वो होता है, यहाँ पे छीन छोर होता है। इसमें भी एक बहुत बड़ी बात यह है कि हम इतना कॉन्फिडेंस के साथ क्यों कर रहे हैं, ये कह रहे हैं क्योंकि मेरे साथ जब ऐसा हुआ उसके बाद मैं यहाँ से जब भागते हुए जब मैं फुलिया चौक पे गया तो वहां जाने के बाद मुझे पता चला कि वहां पे भी एक दुकानदार है जिनके साथ इस जगह पे ऐसा हुआ है। मेरे एक मित्र हैं जिनके नाना जी का 1 लाख रुपए यहाँ पे मतलब छीना गया है। और भी कई सारे लोग हैं जो इस जगह से अपना मतलब कुछ ना कुछ नुकसान करवा चुके हैं। तो यहाँ के जो कुछ लोकल लड़के हैं उनका ही ये सब धांधली है और वो इस तरीके से कर रहे हैं, जो कि बहुत ही गलत है। तो मैं गुजारिश करना चाहता हूँ यहाँ के साहेबगंज, ये जो एरिया है वो साहेबगंज के अंडर में आती है। हालांकि कल रात ही हम बौराज थाना, हमारे जो प्रभारी थे वो फुलड़िया चौक पे हमको मिले। हमने उनसे पूरी कहानी बताई कि मेरे साथ क्या क्या हुआ, कैसे कैसे हुआ है। उन्होंने बताया कि ये एरिया हमारे अंडर में नहीं आता, ये बौराज थाना के अंडर में एरिया आता नहीं है, ये एरिया हमारे साहेबगंज के थाना में आता है। तो आज अगर मैं कोशिश करूंगा कि आज ही जाकर के मैं रिपोर्ट करूं थाना में, जिससे उनको पता चल सके कि यहाँ पे हो क्या रहा है। और ये एक दिन की बात नहीं है, काफी दिनों से यहाँ पे हो रहा है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं जब रात में जब वापस आ रहा था तो इसी जगह पे जब मैं आया तो 3 लड़के एक ही बाइक पे थे और मुझे फॉलो कर रहे थे काफी दूर से। मैंने उन पे ध्यान नहीं दिया, मैं अपने मतलब अपने मौसम में गाड़ी को चलाते हुए जा रहा था। अचानक आते हैं वो लड़के और मेरा बाजू पकड़ते हैं, यहाँ पे कस के पकड़ते हैं, जिससे कि मुझे गिराने की कोशिश करते हैं। लेकिन मैं जैसे तैसे करके उनसे अपना हाथ छुड़ा करके और बैलेंस को संभालते हुए, फिर भी कितना भी संभालो लेकिन रोड से मैं नीचे उतर जाता हूँ। आपको मैं दिखाता हूँ, नीचे मैं यहाँ पे उतरता हूँ और फिर यहाँ से चलते हुए काफी दूर तक अपने आप को संभालते हुए मैं इस कदर, अभी भी मेरे जो गाड़ी का जो चक्की का जो निशान है आपको अभी भी मैं दिखाऊंगा। यहाँ से होते हुए मैं यहाँ से फिर निकल के बाहर जाता हूँ और बाहर निकल के फिर वहां से जैसे ही मैं ऊपर चढ़ता हूँ, फिर वो बाइक वाले जो भी लड़के थे जो मुझे लूटना चाहते थे, वो लोग देखे कि ये डरने वाला नहीं है। मैं डरा नहीं, मैं उनको गाली दे रहा था, जिसके वजह से वो लोग बाइक घुमा करके वापस चले गए। तो ये सारी चीजें मेरे साथ हुई और पहले भी बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा हो चुका है। तो मैं आप सभी दर्शकों से मैं गुजारिश करता हूं, मेरे जितने भी व्यूअर्स हैं भाई लोग, आप इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। हो सकता है कि आपका एक शेयर आपके घर वालों की ही जान बचा सके, क्योंकि ऐसे माहौल ऐसा कभी कभी होता है कि ये लोग जो है कि पैसा के लिए लोगों की जान तक ले लेते हैं। तो ऐसा काफी बार हुआ भी है। तो ज्यादा करके जो CSP वाले हैं उनके लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। जो फाइनेंस में जॉब करते हैं, फाइनेंस में काम करते हैं, जो लोग फाइनेंस में ड्यूटी करते हैं, शाम हो जाती है कलेक्शन लेते लेते, उनके लिए एक बहुत बड़े खतरा की घंटी है। तो आप सभी को मैं बोलता हूं, आप लोग शाम को 7 से 8 बजे के बीच में इस जगह से कभी ना गुजरे, यानी कि शाम अंधेरा होने के बाद इस जगह से आप कभी ना जाएं, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही गंदा कुकर्म होता है। और हम अपने प्रशासन, अपने बिहार पुलिस में जो भी लोग हैं उनसे मैं हाथ जोड़कर गुजारिश करता हूं कि आप भी इस चीज को थोड़ा गंभीरता से लें। और खास करके साहेबगंज पुलिस पदाधिकारी से मेरा रिक्वेस्ट है, निवेदन है कि आप इस पे ड्यूटी 2-4 ऐसे कांस्टेबल को ड्यूटी में लगाएं, जिससे कि यहां की जो चोरी और चंडाली जो हो रही है
उसे बंद किया जा सके। ये बहुत ही शर्मनाक हरकत कर रहे हैं यहाँ के जो कुछ लोकल बॉय हैं, जो जैसा मुझे पता चला है वो लोग का ही ये सारा काम है, तो वो शर्मनाक हरकत को आप लोग रोक लगाए, उनको कड़ी से कड़ी सजा दिलवाए। तो आप सभी लोगों से मेरा विनती है, और हाँ एक लास्ट में एक और बात बोलूंगा आप सभी लोगों को, मैंने जो स्टार्टिंग में बोला गुंडागर्दी और कब सुधरेगा बिहार, इसको कोई भी राजनीतिक मुद्दे से कोई भी व्यक्ति ना ले, ये राजनीतिक मुद्दा है ही नहीं, कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है। ना ही मैं बीजेपी को ब्लेम कर रहा हूँ, ना ही मैं जदयू को ब्लेम कर रहा हूँ, ना ही मैं आरजेडी को ब्लेम कर रहा हूँ। ये हमारे समाज के जितने भी समाज सेवक लोग हैं, जो लोग एक अच्छे लेवल पे हैं, अपने ग्राम विकास का जो ग्राम विकास, ग्राम के विकास को करने के लिए जो उनको जिम्मेदारी सौंपी गई है, ये वीडियो मैं उनके लिए बना रहा हूँ। इस ये छोटे छोटे मामले के लिए मैं सरकार को दोषी नहीं ठहरा सकता, यहाँ के प्रशासन है, यहाँ की जो ग्रामीण विकास का जिम्मेदारी जिनके ऊपर दिया हुआ है, उनके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। सो प्लीज आप सभी लोगों से मेरा हाथ जोड़ करके विनती है कि इस वीडियो को शेयर कीजिए, आपके एक शेयर से किसी की जान बच सकती है, किसी का पैसा बच सकता है। सो आई होप आपको ये जानकारी बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक करके वीडियो को जितना हो सके उतना आप शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपका एक शेयर किसी की जान बचा सकता है। तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे बस यही अपडेट करना था आप लोगों को।